आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। जोनाथन उस कब्रिस्तान में बनी हुई झोपड़ी में इस समय लेटे हुए करवटें बदल रहा था। वैसे तो जोनाथन को इस समय तक नींद आ जाती थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे तो रात के सन्नाटे जोनाथन को हमेशा डराने में नाकामयाब रहे थे, मगर आज जोनाथन को पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान की रात की खामोशी किसी होने वाले अनजान आशंका की अनुभूति का एहसास करा रही थी। कब्रिस्तान के पेड़ों पर बैठे पक्षियों और उल्लू की हल्की सी पंखों की फड़फड़ाहट से जोनाथन अचानक चौंक कर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आता और दहशत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगता। ऐसा करते हुए जोनाथन को काफी देर हो चुकी थी कि तभी अचानक उस रात की चुप्पी को किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज ने तोड़ दिया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में जोनाथन का शरीर पसीने से नहा उठा और वो अपनी टॉर्च की रोशनी से कब्रिस्तान में इधर उधर देखने लगा। तभी जोनाथन के कानों में किसी महिला की भयानक चीख की आवाज टकराई। जोनाथन को अपना दिल बाहर निकलता हुआ महसूस होने लगा। जोनाथन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके सामने से बड़ी तेजी से निकलकर कब्रिस्तान में सालों से मौजूद उस घने पेड़ के पास जाकर गायब हो गया और अचानक फिर से कब्रिस्तान चीखों से गूंज उठा। उसके बाद जोनाथन को कुछ भी होश नहीं रहा। अगली सुबह जोनाथन की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। जोनाथन अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता हुआ कब्रिस्तान का गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसने देखा कब्रिस्तान के गेट के बाहर डैनियल खड़ा हुआ था। डैनियल का घर कब्रिस्तान के बगल में ही था। जोनाथन कभी कभार डैनियल के घर पर चाय पीने या फिर खाना खाने के लिए चला जाता था। तभी डैनियल बोला, क्या हुआ जोनाथन, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ कैसे है? इस पर जोनाथन बोला, कल रात कब्रिस्तान में मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। इस पर डैनियल बोला, डर? कैसा डर? इस पर जोनाथन ने बताया, मुझे कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए 20 साल से ऊपर हो गए साहब, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल रात हुआ। इस पर डैनियल बोला, आखिर हुआ क्या कल रात? इस पर जोनाथन ने डैनियल को पूरी बात बताई और साथ ही जोनाथन ने यह भी कहा, साहब मैंने कहा था ना उस रात को ऐसा नहीं करते हैं, वो अमावस की रात थी मगर आप नहीं माने। इस पर डैनियल ने कहा, आज रात मैं भी कब्रिस्तान में तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर डैनियल अपने घर की ओर चला गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात के करीब 10 बजे वो धीरे धीरे कदमों से कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में जोनाथन शायद उसी का ही इंतजार कर रहा था। जोनाथन डैनियल के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ दहशत के साए भी लहरा रहे थे। वो दोनों खामोशी से बैठे हुए जमीन को देखे जा रहे थे। आज भी रात ने एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई थी। तकरीबन 1 बजे के आसपास कब्रिस्तान फिर से चीखों की आवाज से दहल उठा। डैनियल बड़ी फुर्ती से झोपड़ी से बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कान में किसी लड़की की आवाज खिलखिलाकर भागी हो। डैनियल पागलों की तरह आवाज की दिशा में टॉर्च लेकर दौड़ने लगा। उसके कदम उस घने पेड़ के पास जाकर रुक गए। वो बेहद फुर्ती से टॉर्च की रोशनी से पड़े हुए बड़े से पेड़ के उस कब्र को देखने लगा जो 2 दिन पहले ही बनी थी। अचानक उस घने पेड़ के अंदर से 2 बड़े बड़े चमगादड़ अपने लंबे लंबे पंख फड़फड़ाते हुए डैनियल के इर्द गिर्द मंडराने लगे। डैनियल के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डैनियल डर से कांपता हुआ जोनाथन की झोपड़ी की ओर भागा और बड़ी फुर्ती से झोपड़ी के अंदर घुस गया। डैनियल बुरी तरह से हांफ रहा था।
जोनाथन डेनियल को दहशत भरी फटी फटी निगाहों से उसकी ओर देखे जा रहा था। तभी डेनियल बोला, तुम सही बोल रहे थे जोनाथन, ये चीख है, वही है, मैं इन चीखों को कभी नहीं भूल सकता। तभी जोनाथन बोला, अब क्या होगा साहब? इस पर डेनियल ने कहा, हमें इसी वक्त कब्र से उन दोनों को निकालना होगा। तभी जोनाथन बोला, लेकिन उससे क्या होगा? इस पर डेनियल ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं आज रात उन दोनों को दूसरे कब्रिस्तान में गाड़ आऊँगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। जोनाथन ना चाहते हुए भी डेनियल के साथ फावड़ा लेकर उस घने पेड़ के नीचे बनी कब्र के करीब चला गया और कांपते हाथों से उस कब्र पर फावड़ा चलाने लगा। जोनाथन ने कुछ ही देर फावड़ा चलाया होगा कि तभी उसके कानों में डेनियल की एक दर्दनाक चीख टकराई। जोनाथन ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने का मंजर देखकर वो पूरी तरह से हिल गया। उसने देखा एक भयानक चेहरे वाली दिखने वाली महिला डेनियल का गला दबाए हुए थी, डेनियल की आंखों की ओर निकले जा रहे थे। जोनाथन बुरी तरह से चीखने लगा। उसके कदम बाहर की ओर भागने ही वाले थे कि तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। जोनाथन ने देखा कि उसके पैर किसी और ने नहीं बल्कि एक अजीब से दिखने वाली 15 साल की लड़की ने पकड़ रखे थे, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली थीं। उस लड़की ने जोनाथन के पैर जड़ से उखाड़ दिए। जोनाथन एक चीख के साथ वहीं पर गिर गया। उसने देखा एक भयानक महिला ने डेनियल की गर्दन उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दी। डेनियल एक चीख के साथ उसी कब्र के ऊपर गिर गया। अचानक वो महिला और लड़की गायब हो गई। जोनाथन अपने कटे हुए पैर के साथ कराहता हुआ बेबसी से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी कब्र के अंदर से 4 हाथ निकले और डेनियल के शरीर को खींचते हुए अंदर की ओर ले गए। कुछ ही पलों के बाद जोनाथन के साथ भी वही हुआ और कब्रिस्तान में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आज से लगभग 1 महीना पहले डेनियल ने एक विधवा औरत से शादी की। उसकी एक 15 साल की बेटी भी थी। उसका पति एक बहुत ही बुरे हादसे में मारा गया था और वो बहुत अमीर आदमी था, मगर डेनियल ने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी। उसने उस औरत को ये पता नहीं लगने दिया था कि वो पहले से ही शादीशुदा है, मगर सच कहाँ छिपता है, एक दिन उस बेचारी को पता चल ही गया। उसने कोर्ट जाकर केस करने का फैसला किया, मगर तभी डेनियल ने उसे जान से मार डाला। और क्योंकि उसकी बेटी ने भी ये सब देख लिया था तो डेनियल ने उसके साथ भी वही किया और जोनाथन ने भी इसमें उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर उन दोनों की लाशों को रातों रात कब्रिस्तान में दफना दिया और आज उसी के कर्मों की सजा दोनों को मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।